Vayam Prabha. Digital India. Educated India. नमस्कार आज की हमारी जापानी भाषा एक परिचय की इस तेरहवीं क्लास में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज उन लोगों का भी बहुत हम स्वागत करना चाहेंगे जो पहली बार इस क्लास में आ रहे हैं जो पहली बार ये लेक्चर सुन रहे हैं हम उम्मीद करते हैं कि आपको इन लेक्चर्स से बहुत फ़ायदा हो रहा है और जापानी भाषा बोलने में आपको आसानी हो अभी तक हम लोगों ने भाषा में बहुत साधारण चीज़ें करी हैं जैसे कि आपने अपना परिचय बताया है आपने समय बताना और पूछना सीखा है आपने जगह बताई है ये क्या वस्तु है इसके बारे में बताया है मूल्य पूछा है लेकिन आज हम लोग कुछ नया करेंगे नया क्या करेंगे वो हम आपको बताते हैं नया हम अब की बार आज की क्लास में आपको क्रिया बताएंगे क्रिया क्या है क्रिया का प्रयोग कैसे किया जाता है वर्ब्स में टेंसेस क्या हैं किस प्रकार से जापानी टेंसेस का हम सेंटेंसेस बनाने में प्रयोग करते हैं इसी के साथ साथ हम लोग एक नया पार्टिकल भी करेंगे समय के साथ कौन सा पार्टिकल लगाया जाता है तो सबसे पहले आइए हम लोग देखते हैं कि हमारे लेसन में अब क्या है देखिए यहाँ पे लिखा है नान जीनी ओकीमास का नान आपको पता है जी आपको पता है ये एक नया पार्टिकल है और ये क्रिया है यानी कि वर्ब है का आप जानते हैं जिससे कि हम एक साधारण वाक्य को प्रश्न में बदल देते हैं तो इससे पहले हम अपना レクチャーショルガーカルテーハムログエック、オーディオソンテヘン、オーデキヘ、アプコスメ、コンセネーシャブ、メルテヘ。会社は何時からですか?。九時からです。何時に起きますか?。毎日六時半に起きます。会社は何時に終わりますか?。午後六時です。何時に帰りますか?。七時です。 तो अभी आपने मीरासान और तानाकासान का ये एक छोटा सा कायवा सुना इसमें कुछ नए शब्द हैं और कुछ ऐसा है जो आपने पहले किया हुआ है तो सबसे पहले हम एक बार आपको पढ़ के सुनाते हैं जिससे कि आपको उच्चारण भी समझ में आ जाएगा और कहाँ पे किस प्रकार का इंटोनेशन है वो भी आप जान जाएंगे। तो मीरासान और तनाकासान का ये कायवा है तनाका सान कायशा वनान जी का 9時からです田中さんは何時に起きますか毎日6時半に起きます。会社は何時に終わりますか午後6時に終わります。何時に帰りますか7時に家へ帰ります。や7時です。あっねえ、サメ、キはへ。サメ、ケサー、あっね、ハンビ、キヤはへ。 जो नया है वो है ये पार्टिकल नी और कुछ आपको ये वर्ब्स नज़र आएंगे तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि वर्ब्स क्या हैं देखिए वर्ब एक बहुत ही आवश्यक पार्ट है हमारे वाक्य का इससे हम जानते हैं कि व्यक्ति जो हमारा सब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है कहाँ जा रहा है क्या खा रहा है किस समय खा रहा है खा रहा है या नहीं खा रहा है या और बहुत सारे कॉन्जुगेशन्स हैं तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर है रमेश जाता है तो अब जो जाता है ये वर्ब पार्ट है अब इसमें हम बदल भी सकते हैं देखिए रमेश नहीं जाता है रमेश जाता था रमेश जाएगा अब यहाँ पर रमेश जाएगा बदल गया बिल्कुल ये फ्यूचर के लिए हो गया रमेश नहीं जाएगा ये नेगेटिव हो गया रमेश जाना चाहता है उसकी इच्छा हो गई तो इस प्रकार से वर्ब से हम बताते हैं कि हमारा जो सब्जेक्ट है हमारा जो टॉपिक है जिसके बारे में हम बात करना चाहते हैं या बताना चाहते हैं वो क्या कर रहा है तो इससे हमको पता चलता है कि टेंस क्या है ये फ्यूचर टेंस है टेंस है या पास्ट टेंस है जाता था यानी कि पास्ट में है जाएगा यानी कि फ्यूचर में है जा रहा है यानी कि प्रेजेंट में है तो अब आप ये देखिए कि वर्ब से जब सेंटेंस बनता है तो उससे आपको सिंगुलर और प्लूरल का भी समझ में आता है यानी कि एक वचन है या बहुवचन है या आपको ये भी समझ में आता है कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है उससे भी बदल जाता है हमारा वर्ब या ये फर्स्ट पर्सन है या सेकंड पर्सन है या हम किसी थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं जैसे आप देखिए मैं जाता हूँ वो जाता है तुम जाते हो तो इसमें सब में आप देखेंगे कि वो बदल रहा है ऐसे ही मैं जाती हूँ वो जाती है तुम जाती हो अब यहाँ पर भी आप देखेंगे कि यहाँ पे जेंडर पता चल रहा है कि ये स्त्रीलिंग में है और ये पुल्लिंग में है यानी कि मैस्कुलिन जेंडर है और ये फेमिनिन जेंडर है जापानी में जेंडर नहीं है आपको लगेगा कि ये बहुत अजीब बात है कि किसी भाषा में अगर जेंडर नहीं है तो हम कैसे काम करेंगे उसमें लेकिन कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग करके हम स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के बारे में बता सकते हैं इसी प्रकार से आप ये देखिए हम सब जाते हैं वो सब जाते हैं तुम सब जाते हो तो इस सब में भी आप ये देखेंगे कि यहाँ पे प्लूरल बन गया सिंगुलर का मैं जाता हूँ और हम सब जाते हैं प्लूरल बन गया तो फिर से आपको बता दें कि जापानी में प्लूरल्स नहीं हैं यानी कि एक भी वही है और सौ भी वही है मैं जाता हूँ और हम सब जाते हैं प्लूरल जो है वो बदलता नहीं है तो ये ये दो चीज़ें होने से हमें भाषा में बहुत सुविधा हो जाती है सुनने में कठिन लगता है लेकिन जब आप बोलते हैं तो बहुत आसान रहता है तो वर्ब्स जो हैं उनकी मदद से हम तरह तरह के कॉन्जुगेशन्स करते हैं और जो वर्ब का बेस है यानी कि जो मेन पार्ट है वर्ब का जो बदलता नहीं है वर्ब का उसमें हम तरह तरह की चीज़ें लगा करके भूतकाल भविष्यकाल बताते हैं और बहुत सारी चीज़ें कहते हैं जैसे कि हम ये करना चाहते हैं हम ये करेंगे हमें करना चाहिए तो इस प्रकार से हम लोग वर्ब्स का प्रयोग करते हैं अब जैसे आपने जाता देखा जाता तो इसका बेस क्या है एक तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि इसका बेस क्या है इसका बेस जा है जा में हम लगाते हैं जाता हूँ जाऊँगा जाऊँगा जाने वाला हूँ जाना चाहता हूँ जाना चाहिए जाता था तो इस प्रकार से जा जो ये आपका बेस है जो मूल है उसका जो तना है उसमें आप तमाम सारे कॉन्जुगेशन्स करते हैं और नई नई चीज़ें बताने का प्रयास करते हैं आपको हिंदी में पहले इसलिए बता रहे हैं क्योंकि बिल्कुल इसी प्रकार से हम जापानी में भी करेंगे जापानी में भी ऐसा ही होता है अब देखिए यहाँ पर जो हमारा मेन पर्पस है इस कोर्स का वो ये है कि आप भाषा सीखें आप कम्युनिकेट कर सकें आप लोगों से बात कर सकें थोड़ा बहुत हम ग्रामर का सहारा लेकर के समझ करके सिचुएशनल कॉन्वर्सेशन पर पूरा ध्यान केंद्रित करिए जब बच्चा छोटा होता है तो वो क्या करता है छोटा दो साल का बच्चा है तीन साल का बच्चा है वो जो सुनता है जो देखता है अपने चारों तरफ वो एग्जैक्टली exactly वैसा ही करता है वो ये नहीं देखता है कि ग्रामर का कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है या इस शब्द का मतलब क्या है या इसका किस तरीके से प्रयोग किया गया है वो केवल ये देखता है कि इस तरीके से इसको बोला जा रहा है और अगर ऐसी सिचुएशन आएगी तो मैं यही चीज़ इस्तेमाल करूँगा तो उसी प्रकार से आप लोग भी जब नया नया आप सीख रहे हैं तब आप ग्रामर का बहुत ज़्यादा ना प्रयोग करके कंसंट्रेट करिए अपने काइवा पर वो आपको कॉन्फिडेंस देगा आगे चल के कि आप और ग्रामर जानना चाहेंगे हिंदी में आपको इसलिए बताते हैं कि हिंदी जो भी थोड़ा बहुत हम लोग जानते हैं उसका सहारा लेकर हम जापानी सीखें और फिर जापानी में बोलने का प्रयास करें अब जापानी में क्रिया जो है तीन भागों में विभाजित है तीन तरीके के ग्रुप्स हैं क्रिया के ग्रुप वन ग्रुप टू और ग्रुप थ्री तो ग्रुप थ्री जो है वो सबसे आसान है सबसे पहले ग्रुप थ्री कर लेते हैं उसमें दो वर्ब्स हैं केवल कुरु और शुरू यानी कि आना और करना ये इसलिए ग्रुप थ्री में है क्योंकि ये दोनों जो वर्ब्स हैं ये कोई पैटर्न नहीं फॉलो करते हैं ये अपनी मनमानी करते हैं इसलिए इनको ग्रुप थ्री में अलग रख दिया गया है कि ये ऊपर के किसी भी ग्रुप में फिट नहीं होते हैं ग्रुप टू में जो वर्ब्स हैं या तो आई आर यू या ई आर यू से एंड होते हैं अपने बेस फॉर्म में अपने मूल रूप में इसलिए उनको ग्रुप टू में रखा गया है जैसे कि आपको लिख के दिखाते हैं मी रू यानी कि आप देखिए मी रू तो आई आर यू से एंड होता है इसलिए इसको ग्रुप टू में रखा गया है अब दूसरा देखिए आप ता बे रू यानी कि देखिए ता बे रू तो ये ई आर यू में एंड होता है इसलिए इसको ग्रुप टू में रखा गया है आ के रू यानी कि कोई चीज़ खोलना तो आ के रू देखिए ये भी ग्रुप टू में है तो इस प्रकार जो क्रिया जो वर्ब्स ई e आर यू और आई आर यू में एंड होते हैं अपने बेस फॉर्म में अपने डिक्शनरी फॉर्म में अपने मूल रूप में उनको ग्रुप टू में रखा गया है अन्य जितने भी वर्ब्स हैं वो ग्रुप वन में है जैसे इस ग्रुप में एक्सेप्शंस भी बहुत हैं और कुछ ऐसे वर्ब्स भी हैं जो आई आर यू में एंड होते हैं या ई आर यू में एंड होते हैं लेकिन वो क्योंकि एक्सेप्शंस हैं इसलिए उनको ग्रुप वन में रखा गया है तो ये ध्यान रखिएगा ग्रुप वन में जो वर्ब्स हैं वो ओ एंडिंग वर्ब्स कहलाते हैं इसके वर्ब्स हैं आउ आऊ काउ 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 या योमू सब U-ending verbs हैं तो ये कुछ तीन groups हैं इनको याद रखिए ये मेन ग्रुप्स हैं इसी के साथ एक और ग्रुप भी है वो है नाउन वर्ब ग्रुप यानी कि नाउन और वर्ब के साथ मिला कर के वर्ब को क्रिया को बनाया गया है जैसे बैंक्यो सुरु यानी कि पढ़ना बैंक्यो सुरु यानी कि पढ़ना तो ये चार मेन ग्रुप्स हैं क्रिया के इनको ध्यान रखिए इनको अभी हम लोग पढ़ेंगे तब आपको और स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा देखिए अभी आपको हमने लिख के दिखाया ग्रुप वन में है आउ, योमु, सु, वारु, गा, न, बारु। आउ माने मिलना योमु माने पढ़ना माने बैठना और माने वर्क हार्ड करना पूरा कोशिश अपनी करना तो अब आप ये देखेंगे कि ये सब मूल अपने रूप में है यानी कि डिक्शनरी फॉर्म में है या बेस में है बेस फॉर्म में है और इसको जापानी में भी डिक्शनरी फॉर्म या जिशो के कहा जाता है और जब आप जापानी डिक्शनरी देखते हैं जब आप कोई शब्द उसमें ढूंढना चाहते हैं तो हमेशा इस रूप में ढूंढा जाता है ये ध्यान रखिएगा अब देखिए हमारा जो वॉब है वो क्या बताता है जैसा कि आपको भी हमने पहले भी बताया है वर्तमान काल भविष्य काल या भूतकाल यही तीन चीज़ें बताता है यानी कि टेंस के बारे में बताता है ये भी बताता है कि कोई वाक्य जो है वो अफर्मेटिव है कोई कार्य व्यक्ति या हमारा जो सब्जेक्ट है वो करना चाहता है या वो कार्य नहीं करना चाहता है तो सेंटेंस पॉजिटिव है अफर्मेटिव है या नेगेटिव है ये भी टेंस से पता चलता है इसके अलावा जापानी में बहुत आवश्यक है कि प्लेन स्टाइल यानी कि जो बेस फॉर्म है वो का प्रयोग किया जाता है और जो पोलाइट स्टाइल है या पोलाइट तरीका है बात करने का फॉर्मल तरीका है बात करने का उसमें किस प्रकार का वर्ब फॉर्म प्रयोग में आता है तो प्लेन फॉर्म या बेस फॉर्म डिक्शनरी फॉर्म जो है वो हम ज़्यादातर इनफॉर्मल स्पीच में प्रयोग करते हैं और जब हम कंपाउंड सेंटेंसेस बनाते हैं जापानी में तब उनका प्रयोग किया जाता है पोलाइट जो स्टाइल है हमारा या जो फॉर्मल स्टाइल है हमारा बात करने का वो मास फॉर्म है वर्ब जो है वो मास फॉर्म में होता है और तब हम किसी फॉर्मल सिचुएशन में किसी अपने बड़े से या किसी बाहर वाले से या जब हम बिजनेस करते हैं तब इसका प्रयोग करते हैं इसका ध्यान रखना आवश्यक है बड़ों से ज़्यादातर प्लेन फॉर्म में या प्लेन वर्ब का प्रयोग करके बात नहीं की जाती है उस समय मास फॉर्म का प्रयोग किया जाता है टीचर्स हैं आप अपने ऑफिस में बाहर वालों से बात कर रहे हैं अपने बॉस से बात कर रहे हैं जो आपसे रैंक में बड़े हैं उनसे आप बात कर रहे हैं जो उम्र में बड़े हैं उनसे बात कर रहे हैं फॉर्मल बात कर रहे हैं तब प्लेन फॉर्म का प्रयोग ज़्यादातर नहीं किया जाता है पोलाइट फॉर्म का या फॉर्मल स्टाइल का प्रयोग किया जाता है जो कि मास फॉर्म से आता है अब जापानी भाषा में वर्तमान और भविष्यकाल में ज़्यादा कोई अंतर नहीं है जैसे इकु यानी कि जाना अगर हम कहें वाताशिवा इकीमास मैं अभी जा रहा हूँ या मैं बाद में दस मिनट बाद जाऊँगा या मैं दो दिन बाद जाऊँगा ये आपको कॉन्टेक्स्ट से पता चलेगा वर्तमान में है या भविष्य में बात हो रही है ये आपको कॉन्वर्सेशन के जरिए पता चलेगा वर्ब से इतना ज़्यादा नहीं पता चलेगा डिक्शनरी फॉर्म जैसा हमने आपको बताया बेस फॉर्म डिक्शनरी फॉर्म या प्लेन फॉर्म उसको हम जिशो के भी कहते हैं जिशो यानि डिक्शनरी आपने पहले किया हुआ है उसका डिक्शनरी फॉर्म कहलाता है और प्लेन फॉर्म पोलाइट फॉर्म और फॉर्मल जो है ये कब प्रयोग किया जाता है ये बहुत ही आवश्यक है जापानी भाषा में जानना तो आइए अब वर्ब्स की प्रैक्टिस कर लें कुछ आपके लिए वर्ब्स हैं ये बैंकी ओशिमास हमारे बाद आप प्रैक्टिस कर सकते हैं बैंकी नोमी मास अब आप देखेंगे ये मास फॉर्म में है नोमी मास काई मास ओकी मास मोदोरी मास मोदोरी मास का मतलब है जब आप कहीं पर हैं और वहाँ से जा करके के कहीं वापस यहीं पर आना उसको मोदोरी मास कहते हैं ताबे मास योमी मास ने मास सांपोष मास यानी टहलना अब आप यहाँ देखेंगे कि अगर हम इसको आपको लिख के दिखाएं ने मा, सु नो मी मा, सु सो so, हर बार आप ये देखेंगे कि सु लिखा है तो आप इसको नेमा मत बोलिए सु को थोड़ा छोटा करके नेमास बोलिए ने मा, स, लिखा वो सु जाता है लेकिन प्रोनाउंस स किया जाता है नेमास इसका ध्यान रखिएगा बोलने में आसानी हो अब देखिए छोटा सा एक आपके लिए अभ्यास है तस्वीरों के साथ अब आप बताइए ये क्या हो रहा है यहाँ पे सवेरा है सूरज उग रहा है सात बज रहा है तो क्या होना चाहिए ओकी मास सही है बिल्कुल ओकी मास अब ये बताइए क्या है तना का सान सो रहे हैं ग्यारह बज रहा है नेमास अब ये सज्जन कहीं जा रहे हैं बैग लेकर के तो क्या कहेंगे हम इकी मास तारों को क्या कर रहे हैं बताइए खाना सामने रखा है चॉपस्टिक्स उनके हाथ में है हसी उनके हाथ में है क्या कर रहे हैं खाना खा रहे हैं तो इसको हम क्या कहेंगे ताबे मास बिल्कुल सही ताबे मास आपने अभी अपनी पिछली स्लाइड में इसका अभ्यास किया है कुछ और तस्वीरें हैं आपके लिए ये बच्चे खेल रहे हैं आसोबी मास ये क्या कर रहे हैं देखिए कहीं से वापस आ रहे हैं तो वापस आने के लिए क्या वर्ब है कायरी मास ये जा रहे हैं और दौड़ भी रहे हैं ये भी कहा जा सकता है ये भी कहा जा सकता है कि ये घर वापस जा रहे हैं तो घर वापस जाने के लिए क्या है हमने किया है कायरी मास जाने के लिए हमने क्या किया है इकीमास। मास और ये फिलहाल क्या कर रहे हैं इस समय ये दौड़ रहे हैं तो हाशिरीमास। मास और तारोकुन पढ़ाई कर रहे हैं तो बैंक्योशी मास ये नाउन और वर्ब मिला करके एक वर्ब बनाया गया है और इसमें वर्ब क्या है नाउन वर्ब जब मिला कर के बनाते हैं तो वर्ब हमेशा शीमास होता है तो बैंक्यो शिमास क्या कर रहे हैं हम हम पढ़ाई कर रहे हैं अब देखिए आपको एक चीज़ यहाँ बता दें जो बहुत ज़रूरी है हम हमेशा अपने घर अपने देश और अपने गांव वापस जाते हैं यानी कि का ए री मास ये ज़रूर ध्यान रखिएगा हम अपने घर अपने देश अपने गांव जहां हम पैदा हुए हैं जो हमारा नेटिव प्लेस है हम वहां हमेशा वापस जाते हैं वहां कभी जाते नहीं हैं हम हमेशा वापस जाते हैं जहाँ हम रहते हैं वहाँ वापस जाते हैं तो आप घर हमेशा कायरी मास करेंगे कभी इक्की मास नहीं करेंगे अगर आपका अपना घर है तो आप कायरी मास करेंगे अन्य किसी भी स्थान पर आप जाएंगे तो आप हमेशा इक्की मास करेंगे ये ध्यान रखिएगा इक्की मास और कायरी मास में ये छोटा सा एक अंतर है अब देखिए जैसा हमने आपको वादा किया था कि हम आपको एक नया पार्टिकल बताएंगे तो ये पार्टिकल है पार्टिकल नी इसका प्रयोग कब किया जाता है पार्टिकल नी जो है वो समय के साथ प्रयोग किया जाता है अभी तक आपने किया है ईमा देस अब आप छह बजे कुछ काम भी करेंगे तो वाता शिवा रोकुजी नी ओकी ठीक छः बजे मैं उठता हूँ या उठूँगा अब देखिए इसमें क्या है जैसा लिखा है समय के बाद पार्टिकल नी का प्रयोग किया जाता है तो ये ध्यान में रखना ज़रूरी है कि समय के बाद समय से पहले नहीं समय के बाद ही पार्टिकल नी का प्रयोग किया जाएगा यदि आप बताना चाहते हैं कि मैं इस समय काम करता हूँ नी पार्टिकल देखिए एक और बहुत ज़रूरी बात है कि निश्चित टाइम के लिए स्पेसिफिक टाइम के लिए ही टाइम के साथ ही उसका प्रयोग किया जाता है रोकू जी नी और ये भी ध्यान में रखना ज़रूरी है कि रोकू जी के बाद नी आएगा रोकू जी नी हान ऐसे करके अगर आपको बताना है तो गलत है कूजी नी कुछ करता हूँ अगर आपको हान बताना है तो कूजी हान नी आएगा यहाँ कूजी हान बिल्कुल नहीं आएगा इसी के साथ साथ टाइम एक्सप्रेशन होते हैं कुछ आशा यानी कि सवेरे क्यों आज तक कल इन शब्दों के साथ नी का प्रयोग नहीं किया जाता है क्योंकि ये स्पेसिफिक टाइम नहीं है निश्चित टाइम नहीं है इसलिए नहीं किया जाता है मास दस बजे सोता हूं आश्ता नी देरी ए इकी मास कल मैं डेली जाऊंगा नहीं आश्ता देरी ए मास ये सही रहेगा अगर आप ये पूरा लिखेंगे वाक्य तो ये गलत है आश्ता देरी ए इकी मास जैसा कि यहां लिखा हुआ है अब देखिए वाताशिवा ता शिवा रोकू जी नी नेमास, है कि नहीं है यही तो हम लोग कर रहे हैं मैं इतने बजे सोता हूँ अब छ बजे आप अन्य और भी कार्य कर सकते हैं वाताशिवा शिवा रोकू जी नी ओकी मास वाताशिवा रोकुजी नी ताबे मास वाताशिवा रोकुजी नी एक ही तो आप छः बजे कुछ भी कार्य कर सकते हैं यह आप बता रहे हैं इसी प्रकार आप छः बजे की जगह आप टाइम भी बदल सकते हैं वाता शिवा गोजी नी वाता शिवा हचीजी नी कुछ भी आप कार्य कर सकते हैं और इसी के साथ साथ आप वाताशी के जगह भी जो आपने नाउन्स किए हैं जो संज्ञा करी है वो भी आप लगा सकते हैं ओका ओका वान रोकुजीनी नेमास तोमो दाची वा, हाचीजीनी बो शी मास तो इस प्रकार से सेंटेंस बना सकते हैं का लगा करके आप अपने मित्र से प्रश्न पूछ सकते हैं और छोटा सा एक कायवा कर सकते हैं इसका अभ्यास कर सकते हैं तो समय के साथ आप पार्टिकल नी का प्रयोग करके बताइए कि आप इस समय क्या कार्य करते हैं अब इसका एक आप अभ्यास करिए यहाँ पे कुछ तस्वीरें हैं देखिए ये सो रहे हैं तो आप क्या बताएंगे ज्यू जी नी नेमास तो कौन वाताशिवा ज्यू जी नी निमासमोदा तो चिवा ज्यू जी नी नेमास ये लोग सब सांपो कर रहे हैं घूमने जा रहे हैं टहलने जा रहे हैं साथ में मिलकर तो शिची जी नी सांपो शिमास। यहाँ पर जी के बाद नी लगाइए तीसरी तस्वीर देखिए ये फोन कर रही हैं ओकासानी हाची जीनी देनवा शीमास और यहाँ पर ये यह जा रहे हैं रोकूजी नी खायरी मास तो इस प्रकार से आप नी लगा करके अभ्यास कर सकते हैं अंत में आपके पास एक ये फोटोग्राफ है बताइए इस तस्वीर में आपको क्या लग रहा है खाना खाने के लिए कौन से वर्ब का प्रयोग किया जाता है ताबे मास मारिकोसानवा हाचीजीनी ताबे मास लेकिन जापानी लोग खाना खाने से पहले कुछ कहते हैं क्या कहते हैं ज़रा बताइए इतादा की ये प्रथा हमारे यहाँ भी है आपने अपनी नानी दादी को देखा होगा ज़रूर खाना खाने से पहले वो हाथ जोड़ करके भगवान को धन्यवाद कहती हैं कि आपने ये मुझे आज दिया इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ तो इसी प्रकार से इतादा की मास भी भगवान को धन्यवाद देने के लिए हाथ जोड़ करके कहा जाता है और ये कभी भी आप कुछ भी खाना खाइए चाहे चाय पीजिए चाहे खाना खाइए ये एक्सप्रेशन जो है ये ज़रूर बोला जाता है और इसी के साथ आज का ये लेसन हम यहीं ख़त्म करते हैं आपने आज क्रिया करी है क्रिया के साथ आपने जो है पार्टिकल नी भी किया है तो आशा करते हैं अब आप लोग घर जाएंगे घर जा करके इसको दोबारा से पढ़ेंगे और याद करेंगे और अगली क्लास में हम लोग और बहुत कुछ करेंगे अपने वर्ब्स के साथ तमाम और पार्टिकल्स भी करेंगे और जो अभी तक किया है उसका प्रयोग करके हम लोग छोटा छोटा रोज का जो काइवा होता है जो हम लोग रोज़ आपस में बातचीत करते हैं वो करने का अभ्यास करेंगे धन्यवाद